हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। और दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और सजेशंस दिए थे कि मैं टॉप 10 गेम्स की वीडियो कब बनाऊंगा और मुझे कौन कौन से गेम्स इंक्लूड करने चाहिए। तो चलिए, ये रही वीडियो टॉप 10 गेम्स की मार्च 2017 के लिए। और जो फर्स्ट गेम है वो है बैडलैंड। तो अगर आप गेम को देखें, फर्स्ट लुक से ये लियोस फॉर्च्यून से इंस्पायर्ड लगती है, बट ये टोटली फ्री है गेम। इनफैक्ट टॉप 10 गेम्स जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सारी की सारी फ्री हैं और आप उसे फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं बैडलैंड की। तो बैडलैंड अगर आप देखें तो यहाँ जो आपका कैरेक्टर है उसको ऑब्स्टेकल्स पार करने हैं, क्लियर करने हैं ऑब्स्टेकल्स। उसके बाद जो आपका लेवल है वो क्लियर होता चला जाएगा और जो गेम है और ज़्यादा चैलेंजिंग होती चली जाएगी। जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे अलग अलग पावर्स उसको मिलती जाती है जर्नी के बीच में। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया। जो इसकी एनिमेशंस हैं और जो इसकी ग्राफिक्स हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आए। नेक्स्ट है बीट रेसर। तो आप सभी ने बीट स्टॉम्पी तो खेली होगी, ये कुछ कुछ वैसी ही है। तो यहाँ पे आपको कार मिल जाती है जो कि एक रेसिंग कार कह लीजिए, उस टाइप की है। बीच में आपको पावर्स कलेक्ट करनी है या फिर आपको यहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट जैसे जैसे करते रहेंगे आपकी पावर इंक्रीज होती जाएगी और आप उसे यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गेम की। तो बस आप देख सकते हैं रास्ते में आपको ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, ऑब्स्टेकल्स आपको क्लियर करने हैं। तो जैसे जैसे ऑब्स्टेकल्स क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी गेम क्लियर होती जाएगी और वैसे वैसे ही गेम और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होती चली जाएगी। तो मुझे ये गेम काफ़ी पसंद आई, बीट रेसर। तो अगर आप इसके ग्राफिक्स देखें तो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इसके और गेम भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो इसमें अगर आप अभी स्टार्टिंग लेवल्स तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो गेम है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी और आपको पावर्स के बिना यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम में। जो नेक्स्ट गेम है वो है डार्क स्वॉर्ड्स। तो ये गेम मुझे काफ़ी अलग लगी क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपने शैडो फाइट खेली हो तो कुछ कुछ यहाँ पर वैसे ही आपको कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वॉरियर है आपका उसके पास स्वॉर्ड होती है। स्वॉर्ड नहीं, बेसिकली और भी वेपन्स होते हैं जैसे शील्ड होती है, तो वो आप अनलॉक कर सकते हैं गेम के दौरान। और गेम जैसे जैसे आप लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी बाकी चीज़ें अनलॉक होती चली जाएंगी। तो बेसिकली आपके कैरेक्टर को एक सिंपल शैडो रोड पर जाना है और रोड की जर्नी के बीच में आपको यहाँ पर एनिमीज़ मिलेंगे जिन्हें आपको किल करना है अपनी स्वॉर्ड से और बचना है अपनी शील्ड से। तो बस गेम में यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे जितने लोगों को आप किल करेंगे, जितने एनिमीज़ को, आपका जो रिकॉर्ड है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। नेक्स्ट गेम है मेजर गन 2 और ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। तो इसके ग्राफिक्स बाकी FPS गेम से अलग हैं क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ कार्टूनिश टाइप का इफेक्ट आ रहा है गेम्स में। तो लेकिन जो गेम का जो लुक है वो इसे और यूनिक बनाता है कार्टूनिश इफेक्ट की वजह से और मुझे देखने में काफ़ी पसंद आई। तो यहाँ आपको बेसिक से सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको गन्स मिल जाती हैं, काफ़ी तरह के वेपन्स मिल जाते हैं, तो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं गेम के थ्रू। और यहाँ पे जो आपके एनिमीज़ हैं आप उन्हें किल कर सकते हैं डायरेक्टली। बेसिकली आपको जर्नी पे जाना है, मतलब वहाँ जो भी आपका मिशन है वहाँ पे जाना है और उन्हें किल करना है। जो नेक्स्ट गेम है वो है मनु गनु 2। तो ये नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जो ये है एक रनिंग गेम है और यहाँ आपको लेवल वाइज रनिंग गेम है ये। तो लेवल क्लियर्स करने पड़ेंगे। ये कुछ कुछ एडवेंचर आइलैंड की तरह है, लेकिन जो ग्राफिक्स हैं एडवेंचर आइलैंड से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और जो ग्राफिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। यहाँ आपको मशरूम मिल जाएगा, यहाँ आपको पावर्स मिल जाएंगी, कॉइन्स कलेक्ट करने हैं आपको। अगर आपने PC पे हरकुलिस खेली हो तो कुछ कुछ उस टाइप की भी आपको यहाँ पर फील आएगी। तो यहाँ पे मशरूम्स मिल जाते हैं आपको और जैसे जैसे आप क्लियर करते चले जाएंगे गेम, जो आपका कैरेक्टर है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो बस यही है इस गेम में मनु गनु 2, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम है मिसाइल्स। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई और काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव गेम है। ओवरऑल इसका मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और गेम प्ले इसको काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है। तो अगर आप बात करें तो यहाँ आपको एयरक्राफ्ट मिल जाता है और कुछ मिसाइल्स जो आपको चेस करनी हैं, तो आपको बस उनसे बचना है। अगर वो आपसे टकरा जाएंगी तो जो आपका एयरक्राफ्ट है वो शूट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आपस में उन्हें ब्लास्ट करवा देंगे मिसाइल्स को, किसी दो मिसाइल्स को, तो आप बच जाएंगे। तो आपको स्टार्स कलेक्ट करने हैं पॉइंट बढ़ाने के लिए और मिसाइल से बचना है, बस यही है इस गेम में। तो ये है मिसाइल्स, अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आप इस गेम को नीचे दी गई जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। गेम मुझे काफ़ी पसंद आई और जो आप गेम प्ले की बात कर सकते हैं वो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ और जो नेक्स्ट गेम है वो है पैकमैन। तो पैकमैन हो सकता है आप सभी ने कंप्यूटर पे अपनी फर्स्ट गेम खेली हो या फिर फर्स्ट 10 गेम्स में तो एक ना एक पैकमैन आपकी होगी ही।
तो पैकमैन यहाँ पे सेम वही दी गई है, बट नीचे की तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स हैं, जिससे आप इजीली अपने पैकमैन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक जॉयस्टिक टाइप की मिल जाती है जिसे आप स्वाइप करके कंट्रोल कर सकते हैं पैकमैन को, और आप इसे ईजिली खेल सकते हैं अपने मोबाइल पर। यहाँ आपको लेवल्स मिल जाते हैं जैसे जैसे आप स्टेजेस कंप्लीट करते जाएंगे, और सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है ऑटो शूटर, तो ये बहुत यूनिक गेम है क्योंकि यहाँ आपको एक ऑटो रिक्शा मिल जाता है, कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है, उसके अंदर वेपन्स लगे हुए हैं। वेपन्स जैसे वहाँ पे आपको बीम्स मिल जाएंगी, लेजर्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको कटर वगैरह पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे आपको गेम के दौरान जो कैरेक्टर है वो खुद ही ऐड करता चला जाएगा ऑटो रिक्शा में, और आप देख सकते हैं ये जो बीच में एनिमीज आते हैं उन्हें किल करता है। तो कुछ कुछ वैसा ही इसका जो कॉन्सेप्ट है डार्क सॉर्ड्स जैसा है, लेकिन यहाँ आपको ऑटो रिक्शा मिल जाता है इंस्टेड ऑफ आपको स्वॉर्ड और शील्ड की जगह। तो ये गेम भी काफ़ी अच्छी है, आप इसे भी खेल सकते हैं, और काफ़ी एडिक्टिव गेम है, और सबसे अच्छी बात है ये किसी इंडियन डेवलपर ने गेम डेवलप करी है, तो आप इस गेम को भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो है स्पीडी पैंडा। तो ये भी एक एंडलेस रनिंग गेम है, यहाँ आपको पैंडा मिल जाता है, ऑब्स्टेकल्स मिल जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको एक पतले से रोड के ऊपर नीचे होना है ऑब्स्टेकल्स क्लियर करने के लिए। इजी लगता है गेम, बट इजी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑब्स्टेकल कभी भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है वाइट ट्रिप, तो वाइट ट्रिप है एक काफ़ी अमेजिंग गेम क्योंकि यहाँ आपको एक बर्ड मिल जाती है, और जो आपकी बर्ड है वो वाइट कलर की होती है, और वो एक जर्नी पे निकली है, और जर्नी के बीच में आपको कुछ और बर्ड्स भी मिलती हैं। दो टाइप की बर्ड्स मिलती हैं, एक वाइट एक ब्लैक। वाइट बर्ड बेसिकली आपका फ्यूल का काम करती है, आपको वाइट बर्ड लेनी पड़ेगी। अगर आपने वाइट बर्ड मिस कर दी तो आपकी बर्ड है वो धीरे धीरे रेड हो जाएगी और उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और वो डेड हो जाएगी, तो आपको वाइट बर्ड लेनी है और ब्लैक बर्ड से अवॉइड होना है, वरना वो आपको फ्यूल को ख़त्म कर देंगी, और कुछ ब्लैक बर्ड्स आपको डायरेक्टली इंस्टेंट किल भी कर सकती हैं। तो ये है इस गेम का पूरा कॉन्सेप्ट, और गेम मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि इसका जो ओवरऑल लुक एंड फील है, जो ग्राफिक्स हैं, वो उसे काफ़ी पसंद आता है। कंट्रोल्स की बात करें तो आप इसे दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, टिल्ट करके भी और मेरी तरह स्वाइप करके भी। तो ये गेम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी गेम है। तो दोस्तों ये थी 10 अमेजिंग गेम्स इस महीने के लिए। आशा रखता हूँ आप सभी को ये 10 की 10 गेम्स काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आप में इसमें से कोई एक गेम भी डाउनलोड करते हैं तो इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक, और मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।